केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में अंबिकापुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों को कोसा गया। इस अवसर पर कांग्रेस के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियाँ हैं। लगभग 2 करोड़ नौकरिया शहर का सूरत पे हीरा तराशने के उद्योग हुए, जिसपे 50,000 से ऊपर बाहरी कारीगर काम के और जीएसटी की मांग से उभर नहीं पाए। आज अंबिकापुर का किसी भी व्यापारी से आप बात कर लीजिए, इन्होंने अभी केंद्र सरकार ने, जबकि पेट्रोल के भाव इतने ज्यादा है, डीजल के सारे चीजों की महंगाई 1,000 का लगभग कर्ज लिया, वो कर्ज के पीछे क्या मंशा है, सिर्फ 1,75,000 करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, पटाने वाली नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ अदानी और देश को बेच रही है, इस देश के रोजगार बेच रही है, इस देश के उसके पास कोई आर्थिक नीतियां नहीं है। 2014 से 2014 तक 10 साल जिस तरीके से मोदी सरकार जी के समय में पूरे देश में आर्थिक मंदी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान पे हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। और जैसा कि देश में एक किसान और जो लघु उद्योग जो आर्थिक स्थिति के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बड़े उद्योग कितने हैं, गिने चुने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो लघु उद्योग और किसान जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, वही टूट गए तो फिर पूरा देश गर्त पे चला गया। और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी जी की सरकार जो बेवजह हिंदू मुस्लिम बॉर्डर पे लड़ाई और इन चीज़ों को बार बार उठाकर जो गुमराह कर रही है आम जनता को, तो आम जनता को भी ये बताने की ज़रूरत है हमें कि किसके कारण ये स्थिति आई है। और निश्चित तौर पे देश का विकास करना है तो आपको बॉर्डर से लेके, किसानों से लेके, लघु उद्योग से लेके, बड़े उद्योगों को भी और सभी चीज़ों को एक साथ लेकर आगे चलना होता है, जो कि कांग्रेस ने करके दिखाया और देश को इतने अच्छी स्थिति तक लाया था, लेकिन इन्होंने बेवजह नोटबंदी करके, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ बड़ों को अपना फायदा पहुंचाने के लिए जो नोटबंदी किया, और उसी वजह से आज ये स्थिति आई है।